कि ये है जी वैगन, मर्सिडीज वालों की है और बड़ी कमाल की ये गाड़ी है। और मैं इसको आपको अंदर से दिखाता हूँ। ये देखिए 2 करोड़ रुपए की यहाँ पर है और ये पाकिस्तान जाके कितने की होगी ये मैं नहीं जानता। मुजम्मिल साहब ये बताइए, ये जो गाड़ी खड़ी हुई है जी सर, ये कौन सा मॉडल है? ये 2022 बेंज मॉडल है, एस क्लास है, ये एस क्लास 500 है। ये पाकिस्तानी कितने की है? यहाँ पर तकरीबन 4 करोड़ तक है। 4 करोड़ की गाड़ी है ये गाड़ी 8 लाख की गाड़ी है, 8 लाख उसके लगे और वहाँ पाकिस्तान में ड्यूटी है। तो मेरे पास ये BMW 16 लाख रुपए में पाकिस्तान में मिल जाएगी मुझे, ये कह रहे हैं ना दोस्तों, 16 लाख रुपए दे बेच जे ड्यूटी ना हो पाकिस्तान से तो अहली गाड़ी तुम पाकिस्तान से चला सकते हो। हम तकरीबन रोज़ के 25 कंटेनर 20 से 25 जो एवरेज है वो हम पर डे कंटेनर करते हैं। ये वो वाली गाड़ियाँ जो पाकिस्तान जाती हैं, ये देखिए, ये देखिए, और ये पाकिस्तान जाकर रिपेयर होती है और रिपेयर होने के बाद इनको 30-35 लाख रुपए की बेच दिया जाता है। पाकिस्तान जाने वाली बेहतरीन कैटेगरी की गाड़ियाँ ये हैं जो साफ़ सुथरी होती हैं और ये पाकिस्तान भेजी जाती हैं, क्योंकि 2 तरह की गाड़ियाँ पाकिस्तान जाती हैं, एक वो जो डैमेज होती हैं और एक वो जो अच्छी कंडीशन की होती हैं लेकिन डैमेज नहीं होती। दोनों तरह की गाड़ियाँ पाकिस्तान भेजी जाती हैं। कि ये वो पाकिस्तानी है जो ज़र मुबादला कमाते हैं और पाकिस्तान को भेजते हैं। तो आपका बहुत शुक्रिया। शुक्रिया को क्या कहते हैं उसमें? अरिगातो। 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 अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ो कारे, मेरे अजीज़ो, मैं इफ्तिखार फी प्यारे पाकिस्तान के सिटी ऑफ लव लाहौर से। ओहायो गुदायमस जापानी जबान में इसका मतलब है गुड मॉर्निंग। दोस्तों मैं आज आपको जापानी लेके जा रहा हूँ। टोक्यो से करीबन 1.5 घंटे की ड्राइव है यहाँ की, बांदो इस इलाके का नाम है और यहाँ पर वो यार्ड्स मौजूद हैं जहाँ से पूरी दुनिया में जापानी सेकेंड हैंड गाड़ियाँ भेजी जाती हैं, नई गाड़ियाँ भी यहाँ से जाती हैं। तो मैं आपको लेके जा रहा हूँ एक ऐसी जगह पे जहाँ पर आपको पाकिस्तानी मिलेंगे, जहाँ पर मालकान भी होंगे जिसको जापानी ज़बान में साचो कहते हैं, साचो, और वहाँ वर्कर भी होंगे और उनका रहन सहन भी आप देख सकेंगे। दोस्तों ओवरसीज़ पूरी दुनिया में जहाँ भी रहते हैं वो नहायत मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। और फिर वो रहते कैसे हैं, मैंने आपको सऊदी अरब में दिखाया था कि कैसे चरपाई के ऊपर चरपाई रख के रहते हैं। तो यहाँ पर कंटेनर रख के कंटेनर को बीच में से काट के इसको बड़ा कमरा बना लिया जाता है। तो बड़ी बड़ी आला तरीन गाड़ियाँ भी दिखाऊंगा, पुरानी गाड़ियाँ भी होंगी, नई गाड़ियाँ भी होंगी। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूँ, पाकिस्तान में सिर्फ 3 साल पुरानी गाड़ी आ सकती है जापान से, और हाई रूफ अगर हो तो वो 5 साल तक, जिसकी छत ऊँची होती है, अदरवाइज़ पाकिस्तान गाड़ी नहीं आ सकती। हाँ एक बात मैं आपको बता दूँ कि जो गाड़ी वहाँ से 30 लाख की आती है वो पाकिस्तान आकर 60 लाख की इसलिए हो जाती है कि उस पर भारी ड्यूटी लग जाती है। तो आए मैं आपको लेके चलता हूँ और उन ओवरसीज से मिलवाता हूँ जो अपने घर वालों की किफ़ालत करते हैं, बड़ी मेहनत के साथ जुदाई बर्दाश्त करते हैं, बिछोड़ा बर्दाश्त करते हैं और पाकिस्तान के लिए ज़र मुबादला भेजते हैं। आए मेरे साथ जापान के इलाके बांदो में। और ये गाड़ियों का एक बहुत बड़ा यार्ड है, यहाँ से पूरी दुनिया में सेकेंड हैंड गाड़ियाँ जापानी भेजी जाती हैं। मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ के मालिक, इनका नाम है मुदस्सर और ये है पाकिस्तानी। मुदस्सर साहब कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, आप सुना कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पहले बताएं मुझे, तो जापान था जी। हाँ थैंक यू, मुझे जानते हैं ना? बिल्कुल, क्यों नहीं जानते हैं। क्या देखा भाई आपने मेरा? आपके सबसे पहले तो आपको मैंने एक वीडियो देखी थी, लेकिन वो स्टोरी आपकी मैंने पहले देखी थी तकरीबन 2-3 साल पहले ना, उसके बाद फिर मैंने आपकी कुछ आपके पुराने ड्रामे भी वो भी नजर आए देखे, फिर परिजात का आपका रोल वो उसमें वो देखा, उधर से यानी कि मुझे आप इनके पहचान ज़्यादा हुई। अच्छा मुझे बताइए मुदस्सर के यहाँ पर जो गाड़ी 8 या 10 लाख रुपए की आ जाती है, 15 लाख की आ जाती है, वो पाकिस्तान जाके 40 लाख या 50 लाख की क्यों हो जाती है? असल पाकिस्तान ड्यूटी का इशू है, उसमें भी अगर फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान में रिस्ट्रिक्शन है 3 साल की, अगर वही गाड़ी आप 2 साल की है या 1 साल की, उसमें और ड्यूटी ऐड हो जाती है। ऐसे ही हर कंट्री का जिस कंट्री में भी जाती है गाड़ी, वो उसकी कंट्री के रूल के मुताबिक उसके ड्यूटी लगती है, और कहीं पे ड्यूटी ज़्यादा है। अब आप ये पाकिस्तान का कह रहे हैं, अगर आप उस तरफ जाए ना श्रीलंका का काम बंद हो गया, श्रीलंका 200% ड्यूटी थी। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे गाड़ी इनके वो दोस्त ने बताया, मैं हैरान हो गया था, इनके जो प्रीमियम गाड़ी है वो उधर 1 करोड़ रुपए की थी।
आज से मैं ये साल डेढ़ पानी बात हूँ, अभी उधर काम बंद है। इसी तरह बांग्लादेश में भी ड्यूटी बहुत ज्यादा है, पाकिस्तान में भी नस्बत कम है, लेकिन फिर भी गाड़ियाँ तो महंगी है ना। अच्छा, मेरे देखने वालों के लिए थोड़ा सा बताइए, मिसाल के तौर पर ये BMW है, ये कितने की है यहाँ जो खरीदी गई है? ये भी मॉडल के मुताबिक ये मेरा ख्याल है गाड़ी होगी 4 लाख यन तक होगी। तो पाकिस्तानी कितने बने? 8 लाख रुपए। 8 लाख रुपए पाकिस्तानी की गाड़ी है ये BMW। अच्छा, अगर ड्यूटी खत्म कर दी जाए तो कितना खर्चा आता है गाड़ी को पाकिस्तान भेजने में? वो शिपिंग लाइन के फ्रेट पर डिपेंड करता है, अगर कंटेनर में 4 गाड़ियां जा रही हैं, फ्रेट को फिर डिवाइड कर लेते हैं 4 गाड़ी। एक कंटेनर में एक गाड़ी गई है, कितने पैसे लगेंगे? एक गाड़ी तो नहीं भेजते, हर एक गाड़ी में कम से कम अभी पाकिस्तान में तकरीबन 8 लाख रुपया लगता है एक कंटेनर करने का। ये गाड़ी 8 लाख की गाड़ी आई, 8 लाख उसके लगे और वहाँ पाकिस्तान में ड्यूटी है, तो मेरे पास ये BMW 16 लाख रुपए में पाकिस्तान में मिल जाएगी मुझे? ये कह रहे ना दोस्तों, 16 लाख रुपए जो ड्यूटी ना हो पाकिस्तान से, तो ऐली गड्डी पाकिस्तान से चला सकते हो, तुसी अंदाजा लाओ कि ड्यूटी पा के। अच्छा, अगर ये पाकिस्तान भेजी जाए तो ये ड्यूटी श्यूटी सब कुछ खर्चे करके कितने की पड़ेगी? ये मॉडल जा नहीं सकता अगर ये, यानी कि 3 साल पाकिस्तान एक्सटेंशन है। ये कितना पुराना है? ये मेरा ख्याल है 15 साल पुराना होगा। अच्छा, अगर 15 साल पुराने की इजाजत मिल जाए तो ये वाली BMW बगैर ड्यूटी के 8 लाख में तकरीबन 16 लाख रुपए मेरी है, ऐसी है ना? अभी इस वक्त ना, इस वक्त ऐसा है। तो मुझे बताएं आप ये रोजाना कितनी गाड़ियां भेजते हैं यहाँ से हमारा भी लोडिंग का काम है, हम तकरीबन कह लें कि 20 से 25 कंटेनर इसी यार्ड से लोड होते हैं। इसी तरह हमारे वो नगोया में है, वहाँ पे तकरीबन 12-13 कंटेनर वहाँ पे लोड होते हैं, तो एवरेज हमारे इनके डेली के 35 से 40 कंटेनर लोड होते हैं। बाकी फिर वो हमारा वो सिस्टम है बुकिंग, हाली बुकिंग भी भेजते हैं। जापानी और पाकिस्तानी मिला के कितने वर्कर्स आपके पास काम करते हैं? 60 के करीब है। माशाल्लाह, 60 के करीब। तो ये मुझे बताइए कि आप अपने वर्कर्स के साथ, खास तौर पे जो पाकिस्तान से आते हैं, बड़ी ख्वाहिशें, बड़े ख्वाब, बड़ी जिम्मेदारियां लेकर आते हैं, कोई खसूसी रियायत भी करते हैं कि नहीं? ये तो आपको वर्कर भी बता सकते हैं। अच्छा, पक्की बात है। ये मैं आपको बताऊंगा, कहेंगे पता नहीं, ये वर्कर से पूछेंगे आपको ज्यादा बताएंगे क्या करते हैं क्या नहीं करते। चले, बहुत शुक्रिया साहब, मैं आपका यार्ड देखने की इजाज़त है मुझे, मैं चला जाऊँ, लेकिन जाने आप इनसे, इनको छोड़ने से पहले एक बात मैं करूँगा साहब, यहाँ जो भी परदेसी आता है वो बड़ी ख्वाब लेकर आता है, बड़ी ख्वाहिशें, बड़ी उम्मीदें लेकर आता है, तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा, जैसा मैं हर आजिर के पास जब भी जाता हूँ, मेरे जो फैंस हैं पूरी दुनिया में, मैं उनसे कहता हूँ यार इन्हें तनख्वाह बता दे यार। तो ना, हम वक्त के मुताबिक लाजमी बढ़ाते हैं, हम इनका स्टार्ट अभी जैसे जैसे कुछ लड़के फैमिली लेके आते हैं उनकी फिर अलाउंस और चीज़ें भर जाती हैं, उनकी सैलरी जापानीज के मुताबिक नहीं। पाकिस्तानी कितने बनते हैं? पाकिस्तानी यानी कि कह लें कि अगर हम टैक्स वगैरह इंक्लूड सारी चीज़ें करें, वो तकरीबन कह लें कि 6 से 8 लाख के दरमियान एक पाकिस्तानी बढ़ जाता है। और अगर वो फैमिली ले आए तो फिर? हाँ, यही ना, फैमिली वगैरह ले आए, बाकी वो ना आए फिर वो ये 5 लाख तक होते हैं तकरीबन। चले, आपकी इजाज़त से मैं ज़रा लोगों को दिखाता हूँ आपका यार्ड। आए दोस्तों, मैं आपको यार्ड दिखाता हूँ। दोस्तों, मैं आपको लेकर जा रहा हूँ इस यार्ड के अंदर, ये शटल है जो इस यार्ड में चलती है, और देखें दूर तक तहद नज़र गाड़ियाँ हैं, और ये गाड़ियाँ मैं आपको करीब से भी दिखाऊंगा। ये वो गाड़ियाँ जो फिर जापान से ख़रीद के दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में जाती हैं, पाकिस्तान भी जाती हैं, ताइवान भी जाती हैं, UK भी जाती हैं, और इंडिया भी जाती हैं, और पूरी दुनिया में जाती हैं। तो मैं इस गाड़ियाँ बैठ के आपको लेके जाता हूँ यार्ड के अंदर, पहले आपको दिखाता हूँ यहाँ पर कौन कौन सी गाड़ियाँ हैं। आए मेरे साथ दोस्तों, देखिए ये M3 जो है ना, ये इदारे का नाम है जो यहाँ पर ये गाड़ियाँ जो हैं ये पूरी दुनिया में बेचता है। देखिए ता हद नज़र तक गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं, और ये तमाम वो गाड़ियाँ हैं जो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जानी हैं। और जब इस तरफ आएँ तो ये वाली वो गाड़ियाँ जो आज रिसीव हुई हैं, और इन गाड़ियों की तस्वीरें बनेंगी, इसके चेसी नंबर नोट होंगे, और फिर ये गाड़ियाँ उन ममालिक को भेज दी जाएंगी जिन ममालिक में ये गाड़ियाँ ऑक्शन के अंदर बिक चुकी हैं। तो ये देखें, ये एक बहुत बड़ा यार्ड है, दूर तक ता हद नज़र गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं, और ये वो जापानी गाड़ियाँ जो हम पाकिस्तान में बहुत महंगी ख़रीदते हैं, लेकिन मैं आपको जब अभी यहाँ बात करवाऊँगा और आपको बताऊँगा कि इन गाड़ियों की कीमतें क्या होती हैं और पाकिस्तान पहुँच कर वो कितने की होती है, तो आप सारे हैरान रह जाएंगे। तो मैं आपकी बात करवाता हूँ यहाँ पर जो मौजूद इंचार्ज हैं, माजिद नाम है उनका, उनसे बात करवाता हूँ, तो आप देखिएगा
कि वो क्या बताते हैं, आए माजी साहब से बात करते हैं। दोस्तों मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ के यार्ड के मैनेजर हैं, करता धरता है, और इनका नाम है माजिद। माजिद साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक, आप सुनाइए कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। पाकिस्तान से कहाँ से ताल्लुक है आपका? पाकिस्तान मेरा मुल्तान के करीब एक सिटी है, छोटा सा दुनियापुर से मेरा ताल्लुक है। अच्छा अच्छा, तो जापान में कब से आप? हाँ तकरीबन 5 साल हो गए हैं मुझे जापान में, और अच्छा अच्छा M3 कंपनी में ही मैं मुलाजमत करता हूँ, एम्प्लॉय हूँ। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये गाड़ी जी जो आम गाड़ी है 1300 cc या 1800 cc जी जी, ये कितने की यहाँ से मिल जाती है ऑक्शन में? इनकी डिफरेंट प्राइसेस हैं, गाड़ी पर डिपेंड करता है कौन सी गाड़ी है। ज़्यादातर जो है पाकिस्तान जाती हैं वो खे गाड़ी बोलते हैं, 660 cc। अच्छा जी, वो अगर आपने साफ गाड़ी लेनी है तो फिर 100 मान से ऊपर की हैं। ये पाकिस्तानी कितने बनते हैं? तकरीबन 20 लाख। 20 लाख रुपए जी साफ गाड़ी का ना, 660 cc जी, 660। डेज आजकल बहुत फेमस है डेज गाड़ी। अच्छा, तो वो 90-95 की इतने में आ जाती है बाकी। तो ये बताएं पाकिस्तान पहुँच के यही 20 लाख रुपये की गाड़ी कितने की होती है? ये तकरीबन 35-40 लाख में सेल होती है ना, इसका टैक्स बहुत ज़्यादा है। कितना टैक्स है? तकरीबन 12-15 लाख इसकी ड्यूटी है। 12-15 लाख जी जी। तो गड्डी तो जड़ी हो 660 cc की ना, 660 cc की गाड़ी की ये कीमत बता रहे हैं। अच्छा, यहाँ से इतनी सस्ती मिलती है? अगर पाकिस्तान में ड्यूटी कम हो जाए तो गाड़ी बड़ी सस्ती मिल सकती है पाकिस्तानियों को? बिल्कुल, फ़र्क पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा पड़ेगा। तो ये रोज़ाना की कितनी गाड़ियाँ जाती हैं आपके यार्ड से? डिफरेंट डेस्टिनेशंस पे जाती हैं, हम तकरीबन रोज़ के 25 कंटेनर 20-25 जो एवरेज है वो हम पर डे कंटेनर करते हैं। दोस्तों ये जो आप गाड़ियाँ देख रहे हैं, देखें ये लगी हुई हैं गाड़ियाँ, और ये इस तरह से होती हैं, ये वो वाली गाड़ियाँ जो पाकिस्तान जाती हैं, ये देखिए और ये पाकिस्तान जाकर रिपेयर होती है, और रिपेयर होने के बाद इनको 30-35 लाख रुपए की बेच दिया जाता है। ये देखिए, ये एक कैटेगरी में नहीं आती। ये देखिए, ये इस हालत के अंदर गाड़ियाँ होती हैं। ये देखें तो मैंने कहा मैं आपको ये गाड़ियाँ दिखाऊं कि किस तरह से जो पाकिस्तान जाने वाली गाड़ियाँ हैं, ये देखिए, ये इस तरह से होती हैं इस कंडीशन के अंदर, और फिर इनको पाकिस्तान भेज दिया जाता है। तो ये गाड़ियाँ यहाँ पर मौजूद हैं इस यार्ड में, और ये ए कैटेगरी की गाड़ियाँ नहीं होती, लेकिन इनको रिपेयर करने के बाद बिल्कुल आप नहीं पहचान सकते कि इसकी कैटेगरी क्या है। ये देखिए, ये गाड़ियाँ पाकिस्तान जाने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान जाने वाली बेहतरीन कैटेगरी की गाड़ियाँ ये हैं जो साफ़ सुथरी होती हैं, और ये पाकिस्तान भेजी जाती हैं, क्योंकि दो तरह की गाड़ियाँ पाकिस्तान जाती हैं, एक वो जो डैमेज होती हैं और एक वो जो अच्छी कंडीशन की होती हैं लेकिन डैमेज नहीं होती। दोनों तरह की गाड़ियाँ पाकिस्तान भेजी जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो 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 दोस्तों, ये जापानी है और ये हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, और यहाँ बहुत सारे पाकिस्तानी काम करते हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई है कि ये वो पाकिस्तानी है जो ज़र मुबादला कमाते हैं और पाकिस्तान को भेजते हैं। तो आपका बहुत शुक्रिया। शुक्रिया को क्या कहते हैं उसमें? अरिगातो। दोस्तों देखिए, इस यार्ड के अंदर महंगी से महंगी गाड़ियाँ मौजूद हैं। ये देखें, ये लैंड क्रूज़र है मेरे ख्याल से, और ये देखें मैं आपको अंदर से भी दिखाता हूँ। ये देखिए, ओह माय गॉड, लैंड क्रूज़र है, कितनी साफ़ गाड़ी है, और ये बिकने के लिए आई हुई है, बल्कि बिक चुकी है। और इस तरफ अगर देखें तो ये डाला है, जो डाले नहीं होते जेड़े अक्सर अजकल पाकिस्तान जी बड़े मशहूर हुए ने, ये वो डाले ने। ये देखिए, और ये देखें कितनी खूबसूरत गाड़ी यहाँ पर लगी हुई है, और ये प्राडो है। ये देखिए, ये इसका फेंस पड़ा हुआ है, और ये कितनी साफ़ सुथरी गाड़ी है अंदर से। और ये सारी वो गाड़ियाँ हैं जिसमें क्या कहते हैं, यूज़ ज़रूर हैं लेकिन ये बड़ी साफ़ गाड़ियाँ हैं। इस तरफ देखें, ये BMW खड़ी हुई है जी, ये BMW है। और मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, यहाँ पर एक मर्सिडीज़ बेंज भी है। दोस्तों ये देखें, ये 2022 मॉडल है मर्सिडीज़ बेंज। ओ माय गॉड, क्या बात है, क्या बात है। तो इनसे ये पूछते हैं कि ये गाड़ी कितने की होगी,
तो इनसे बात करके देखते हैं। दोस्तों इस यार्ड के ये मालिक हैं, मुजम्मिल इनका नाम है जी। और ये भी पाकिस्तानी भाई हैं मेरे। मुजम्मिल साहब ये बताइए, ये जो गाड़ी खड़ी हुई है जी सर, ये कौन सा मॉडल है? ये 2022 बेंज मॉडल एस क्लास है ये। अच्छा, ये 500 एस क्लास 500 है ये। ये पाकिस्तानी कितने की है? ये पाकिस्तानी जो इधर पाकिस्तानी कम से कम 8-10 करोड़ के करीब होगी। 8-10 करोड़ की? हाँ जी। तो जब ये पाकिस्तान जाएगी तो टैक्स पड़ के कितने की हो जाएगी? टैक्स पड़ के तकरीबन 8-10 करोड़ की हो जाएगी। यहाँ कितने की है दसो? यहाँ पर तकरीबन 4 करोड़ तक है। 4 करोड़ की गाड़ी है ये। तो ये बेच क्यों दी इन्होंने? कोई डैमेज है, ये क्या चक्कर है? नहीं, डैमेज नहीं है गाड़ी। ये बस ये जो पाकिस्तान में जो गाड़ियों के शौकीन हजरात हैं जो वो लग्जरी गाड़ियाँ खरीदते हैं तो ये उनमें से एक है, कह लें। अच्छा, वैसे जो नई होती है 2023 मॉडल, उसकी क्या कीमत होगी इसी की? जी वो थोड़ी सी यानी कि 5 करोड़ तक होगी तकरीबन मेरे ख्याल में। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, बहुत शुक्रिया दोस्तों। मैंने आपको दिखाया, ये देखे, ये एक नए मॉडल की गाड़ी है, मर्सिडीज बेंज। तो यहाँ पर हर तरह की अनवाओ इकसाम की गाड़ियाँ हैं। अभी आपको मैं एक और बड़ी अच्छी गाड़ी दिखाता हूँ दोस्तों। देखे, ये है जी वैगन, मर्सिडीज वालों की है और बड़ी कमाल की ये गाड़ी है। और मैं इसको आपको अंदर से दिखाता हूँ। ये देखिए, ये कितनी साफ सुथरी गाड़ी है, ये देखें। और ये देखिए, तो ये जी वैगन जो है 2 करोड़ रुपए की यहाँ पर है। और ये पाकिस्तान जाके कितने की होगी ये मैं नहीं जानता, लेकिन ये वाली गाड़ी 2 करोड़ रुपए की यहाँ पर है। अब पाकिस्तान ने टैक्स टुक्स मिला के मुझे नहीं पता ये कितने की होगी दोस्तों। ये देखें, ये लोटस गाड़ी है और बड़ी कास्टली गाड़ी है। ये देखिए, लगता है बड़ी तेज़ दौड़ दी होगी। और ये गाड़ी जो है ये लेफ्ट हैंड है, ये देखें लेफ्ट हैंड है। और यहाँ पर यार्ड में गाड़ी भी है। मैंने आपको दिखाया था सऊदी अरब में और दुनिया के दीगर ममालिक में पाकिस्तानी कैसे रहते हैं। आज मैं आपको दिखाता हूँ कि जापान में इन दूर दराज इलाकों में यार्ड्स में काम करने वाले पाकिस्तानी कैसे रहते हैं। आइए दोस्तों, ये देखें, ये कंटेनर के अंदर बने हुए घर हैं। ये जूतियों की तादाद से आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ये देखें, ये जूतियों की तादाद, ये कमरे हैं और एसी लगे हुए हैं। ये कमरे बनाए गए हैं, ये देखिए, ये जूते पड़े हुए हैं। मैं कोई भी पाकिस्तानी आपको इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ कि किसी पाकिस्तानी की दिल आज़ारी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये देखिए कि ये पाकिस्तानी किस तरह से पाकिस्तान से बाहर काम करते हैं। और ये किचन की एक हल्की सी झलक मैं आपको दिखा रहा हूँ। और जब इधर आए तो यहाँ 2 बिल्लियाँ भी हैं, देखें। और यहाँ सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर मस्जिद है, ये देखिए मस्जिद, ये देखें। जब अल्लाह को याद करते हैं तो यहाँ आते हैं और उसके बाद फिर घर वालों को भी याद करके ये लोग आंसू बहा लेते हैं लेकिन वापस नहीं जाते। तो ये पाकिस्तानी जो यार्ड में काम करते हैं, ये उनकी रिहाइश गाह है। एक छोटे से कंटेनर के अंदर एक एक कमरे में, ये जो एक ग्रिल लगी हुई है इसमें 4-4 लड़के रहते हैं जी। दोस्तों देखा आपने कि कैसे गाड़ियाँ जापान से पाकिस्तान लाई जाती हैं और पाकिस्तानी, ख़ास तौर पे पाकिस्तानी मेहनत कश कैसे काम करते हैं। तो मुझे यकीन है ये वीडियो आपको बड़ा अच्छा लगा होगा। और अगर कमेंट्स में मुझे बताएंगे कि मेरा जापान का ये दौरा कैसा जा रहा है तो मुझे बड़ी खुशी होगी। और 1 फरवरी से मैं स्पेन, पुर्तगाल और उस तरफ जा रहा हूँ यूरोप में। मैंने आपको पहले जो यूरोप दिखाया वो गर्मियों का यूरोप था, सारे रास्ते खुले हुए थे। हुन मैं तुहानू तकावांगा बर्फ नाल जमया होया यूरोप। तो उन वीडियोस का भी इंतजार कीजिएगा, ओवरसीज से खसूसी मोहब्बत का इजहार किया करें। ये बड़े अल्लाह वाले होते हैं, बिछोड़े सहते हैं और घर वालों की किफालत करते हैं, बड़े अच्छे लोग होते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त इस दुआ के साथ कि अल्लाह हमें आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि वबरकातुहू।